दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर जलभराव, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुरुग्राम में एफ4 चौक पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, बारिश के चलते लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर के इराई बांध के 2 गेट खोले गए, आसपास के इलाके में भरा पानी, नदी किनारे बसे लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। आज मणिपुर जाएगा विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन, 20 सांसद आज मणिपुर के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने किया मणिपुर का दौरा, अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली 1 से 2 दिन के भीतर मणिपुर की घटना पर सरकार को सौंपेंगी रिपोर्ट। दिल्ली भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। यूपी के स्कूलों में आज होने वाली मुहर्रम की छुट्टी रद्द, अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम को लेकर छुट्टी रद्द, दिल्ली में आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, नोएडा में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, बारिश के बावजूद सड़क पर निकले थे पुलिसकर्मी। सोनभद्र में मुहर्रम से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, रानी सती मंदिर और हनुमान मंदिर में मिली प्रतिबंधित वस्तु, लोगों में भारी आक्रोश, प्रशासन ने साफ कराया मंदिर। यूपी में 2022-23 में 1,07,406 करोड़ का जीएसटी संग्रह, अगले वित्तीय वर्ष के लिए सीएम योगी ने रखा 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य, जीएसटी रिटर्न के लिए व्यापारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश। सिंगापुर की लीडिंग स्पोर्ट्स कंपनी के साथ यूपी सरकार का एमओयू, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हुआ करार, यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन कराएगी कंपनी। स्वामी प्रसाद मौर्य के मंदिरों को बौद्ध मठ बताने वाले बयान पर राजभर का पलटवार, कहा सत्ता में रहते क्यों नहीं आई याद, सपा के लिए स्वामी है खतरा, वाराणसी में भी वकीलों ने खोला स्वामी के खिलाफ मोर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वाराणसी में वकीलों ने लगाए पोस्टर, बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त स्वामी ने मंदिरों को बौद्ध मठ बताते हुए की थी सर्वे की मांग। भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का कड़ा एक्शन, वित्त विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड, राजस्व को क्षति पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई। संभल में जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा, रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन से टकराकर आलम में उतरा करंट, 4 लोग झुलसे, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले में दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा, बदायूं में पॉस्को कोर्ट ने दोषी गुफरान पर लगाया 2 लाख का जुर्माना, साल 2021 में अंजाम दी गई थी इस घटना को। कोर्ट में पेशी पर आया कैदी, पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार, कुछ महीने पहले भी फरार हुआ था गुड्डू, धारा 376 307 समेत आर्म्स एक्ट में जेल में था बंद। उत्तरकाशी के ढासड़ा गांव में मकानों को लैंडस्लाइड से खतरा, लगातार हो रही बारिश से भूदशाव, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आज होगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच, शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, भारत सीरीज में 1-0 से है आगे। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत नहीं खेल पाएंगी एशियन गेम्स के पहले 2 मैच, हरमनप्रीत पर लगा है 2 मैचेस का प्रतिबंध।